अगर आपको आपका EHRMS कोड नहीं मालूम या फिर आपने मानव संपदा फॉर्म भरते टाइम जो मोबाइल नंबर डाला था वो नंबर आपका गुम हो गया है, तो आप अपना EHRMS कोड कैसे पता कर रहे हैं? और अगर आपको आपका EHRMS कोड पता है या नहीं पता है लेकिन आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बिना किसी डिटेल के, आपके पास कोई डिटेल नहीं है तब भी मैं आपको आपके ID और पासवर्ड दोनों बताऊंगा कि कैसे निकालने हैं, जो मानव संपदा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उससे। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बेहद आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अपना EHRMS कोड और उसका पासवर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र लोधी और आप देख रहे हैं नर्सिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें सर्च करिए EHRMS। ये सर्च करने के बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने लेने के बाद यहाँ पे स्टेट सर्च करनी है, आप जिस स्टेट से आप वो स्टेट सर्च कर लो। स्टेट सर्च करने के बाद उस स्टेट का EHRMS की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। यहाँ से सबसे पहले तो आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो नहीं दिखेंगे मोबाइल मोड में। तो EHRMS लॉगिन लिखा है, इस पे आप लॉगिन करोगे अगर आपके पास EHRMS कोड है तब। अगर आपके पास EHRMS कोड नहीं है तो इसमें सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है सर्च HRMS कोड, सर्च HRMS कोड है उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा सर्च बाई मोबाइल, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो सिंपली इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, सबमिट कर देना है, आपका EHRMS कोड आ जाएगा। अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है तब कैसे सर्च करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सर्च बाई पोस्टिंग ऑफिस करनी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे मैं बताने वाला हूँ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपको सर्च कर लेना है आपका जो डिपार्टमेंट है वो। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इसमें UPNHM, UPNHM का पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, किस आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे मैं यहाँ पे आगरा ही का बता देता हूँ, आगरा। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिस DHS ही आएगा जहाँ का भी है। उसके बाद डिजाइनेशन, डिजाइनेशन आप जो भी है आपकी, जो भी आपका पद है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको सबमिट कर देना है, तो यहाँ पे जितने भी हैं वो आ जाएंगे। 83 लोग हैं यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। तो इस तरह से आप, जैसे अभिलाषा देवी, इसका इनका EHRMS कोड ए है 1368611। और अब इसके बाद बात करेंगे कि इनका पासवर्ड क्या होगा, तो हम इनका यहाँ से एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस चलेंगे, वापस हमें आना है यहाँ पे EHRMS लॉगिन पे, लॉगिन पे क्लिक करें। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ किया, उसके बाद कॉपी किया था जो EHRMS कोड उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसमें पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ।
पासवर्ड में सबसे पहले डालेंगे ये अभिलाषा लिखा था, तो ए कैपिटल डालेंगे, वी एच तीन अक्षर डालने हैं, तीन अक्षर डालने के बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जैसे भी जो भी आपकी डेट ऑफ ईयर है, जैसे 1991 तो ये डालने के बाद आप कैप्चा डाल दोगे, जे आई एक्स एम ओ सी। जैसे ही आप अपना पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है आपका तीन डिजिट डालने हैं नाम के, जैसे अभिलाषा या आकाश है, आकाश का ए जो ए कैपिटल रहेगा, फिर के और फिर ए, तीन अक्षर डालने हैं। उसके बाद डेट ऑफ ईयर डालनी है, डेट ऑफ ईयर डालने के बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद अभी ये ईयर इनकी गलत है, अगर आपकी सही ईयर डालोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। आप इस तरह से आईडी और पासवर्ड दोनों बिल्कुल सिंपल, आपके पास कोई डिटेल नहीं है तब भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको ज़रूरत है ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए उनको शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।